अभी हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उनके ऊपर काली स्याही फेंकी गई और उनका मुंह काला कर दिया गया। इस घटना के पीछे वो सरकार और पुलिस की मिलीभगत बता रहे हैं। क्या राकेश टिकैत पर जो स्याही फेंकी गई है वाकई वो इसके पीछे एक सरकार का हाथ है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और राकेश टिकैत पर इसका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अभी ये तो जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नंबर पॉइंट नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिली भगत से ये काम।